घड़ी में समय देखना भाग तीन रीडिंग अ क्लॉक पार्ट थ्री। आज हम जानेंगे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच क्या संबंध होता है। सर, हमें घड़ी देखने के बारे में कुछ और भी जानना है। बताइए, क्या जानना है? सर, यही जानना है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई आगे कब बढ़ती हैं और इनका आपस में क्या संबंध है। यदि आप घड़ी को ध्यान से देखते रहो तो आप देखोगे कि मिनट की सुई थोड़ी थोड़ी देर के बाद घड़ी में बने इन छोटे छोटे निशानों पर आगे बढ़ती जाती है। जब मिनट की सुई एक निशान पर पहुंचती है तब से लेकर उसके अगले निशान पर पहुंचने के समय को मिनट कहा जाता है। इस तरह जब मिनट वाली सुई आगे बढ़ते बढ़ते पूरा एक चक्कर लगा लेती है तब घंटे की सुई एक नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच पाती है। घंटे की सुई बहुत धीरे घूमती है, शायद इसलिए हम इसका घूमना नहीं देख पाते। हाँ, फिर भी अगर आप बहुत ध्यान से घंटे की सुई को देखोगे तो इसका घूमना देख पाओगे। सर, अभी इस घड़ी के समय को कैसे पढ़ेंगे, 4:00 मिनट या 3:60 मिनट? दोनों ही सही हैं, पर 4:00 मिनट बोलना ज्यादा सही है। कैसे सर? 60 मिनट एक घंटे के बराबर होते हैं, तो जब आप कहते हो कि 3:60 मिनट हुए हैं तो इसका मतलब है कि 3 बजने के बाद एक घंटा ज्यादा हो चुका है, यानी 4:00 हुए हैं। अब समझ गई सर, 3:59 के बाद 4:00 बोलना ज्यादा सही है। बिल्कुल सही नेहा, और हम इसको 4 बजे हैं ऐसा भी बोल सकते हैं। यदि मिनट जीरो है तो उसको बोलना जरूरी नहीं है। अब मैं आपको एक और समय घड़ी में दिखाता हूँ। बताइए क्या समय हुआ है? ये तो आसान है सर, 5:45 हुए हैं। सही बताया। अब ये बताइए कि 6:00 में कितने मिनट कम है? 6:15 कम है सर। शाबाश नेहा, और हम घड़ी के समय को इस तरह भी बोल सकते हैं। समझी नहीं सर। देखिए, घड़ी देखते समय सबसे पहले घंटे की सुई को पढ़ा जाता है और उसके अनुसार ही समय बताया जाता है। जी सर। अगर घंटे की सुई 5 से आगे चली गई लेकिन 6 से पीछे है तो यह निश्चित हो जाता है कि 5 से ज्यादा बजे हैं और 6 से कम बजे हैं। जी सर, ये भी समझ में आ गया। कितना ज्यादा या कितना कम है वह मिनट की सुई को पढ़कर पता लगाया जा सकता है। जी सर। अब मिनट को आप ज्यादा मिनट या कम मिनट के अनुसार बता सकते हैं। जैसे वंदना ने बताया कि घड़ी में अभी 5:45 हुए हैं, इसका मतलब हुआ कि 5:45 ज्यादा हो चुके हैं। और जैसा नेहा ने बताया कि 6:15 बाकी हैं, यानी 6:15 कम है। अब समझ गई सर। बताइए क्या समझी? यही सर कि मिनट की सुई जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तब एक घंटा पूरा होता है। इसका मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और समय को ज्यादा मिनट जैसे 5:45 और बचे हुए मिनट के अनुसार जैसे 6:15 बाकी हैं, इन दो तरीकों से बोला जा सकता है।